देखिए यहाँ पे लिखा है बॉय और गर्ल दोनों के लिए लिखा है कि आई एम ए बॉय। आप क्या है? बॉय है। तो आप लिखेंगे मतलब बोलेंगे किसी से आप क्या बताते हैं तो क्या बोलेंगे? आई एम बॉय, मैं एक लड़का हूँ। अगर कोई लड़की है, अगर आप लड़की है तो बताएंगे आई एम ए गर्ल, मैं लड़की हूँ। आपको सर बताने होते हैं, आपको पता है ना ऐसे कि मम्मी सिखाती होगी या दीदी सिखाती होगी या भैया सिखाती होंगे, तो ऐसे कहीं आप जाते हैं तो कोई पूछता है तो बोलते हैं कि दिस इज मी, ये मैं हूँ। कौन है मैं? दिस इज मी। फिर पूछेंगे कि तो आप कौन है, बताएंगे आई एम ए बॉय। अगर आप लड़की हैं तो बोलेंगे आई एम ए बॉय, मैं बॉय हूँ, मैं लड़का हूँ। अगर आप लड़की हैं तो लिखेंगे आई एम ए गर्ल। कहीं जाते हैं तो इंट्रोडक्शन देना होता है ना, आपको बताते हैं। फिर पूछते हैं किस क्लास में पढ़ते हैं आप, तो बोलेंगे आई रीडिंग क्लास नर्सरी, मैं नर्सरी क्लास में पढ़ता हूँ। बताते हैं नहीं बताते हैं, बट आपको बताया कीजिए। थोड़ा बहुत नहीं आता है वहाँ पे, आपने मम्मी पापा या भैया या दीदी से हेल्प लिया कीजिए। ओके, तो ये आपका है क्या करेंगे माई सेल्फ, जो बुक में फर्स्ट चैप्टर है ना उसके आपने भरना है माई सेल्फ। आप भर नहीं पाएंगे तो दीदी की हेल्प से, मम्मी की हेल्प से कर लीजिएगा। और क्या करेंगे आप लोग, एक पिक्चर चेक कर लीजिएगा इसके, इसमें चिताना है बुक में अपना फोटो लगाइएगा। सिर्फ बच्चों का, लड़की होगी तो लड़कों का, लड़की का अलग होगा तो बॉय के नीचे लिखा गया उसका, ठीक है चिपका दीजिएगा। और इसको याद रखिएगा कि दिस इज मी, आई एम ए बॉय, आई एम ए गर्ल, ठीक है इसको याद रखिएगा। अभी मैं बहुत कुछ बताने लगी हूँ आपको EVS में, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और बताएंगे कि वेयर इज योर आईज, पूछेंगे इंग्लिश में और आप भी आपको याद कराएंगे, तो ऐसे करके पढ़ाएंगे। वेयर इज योर हैंड फिंगर, तो ये सब आपको बताइएगा जब हम पूछेंगे तो।